बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड वी हैव लेक्चर नंबर 4। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड टॉपिक 1.2.4 एंड सम प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 7 और 8। ओके, now today we discuss again 1.2.4 topic, algorithms for solving problems, and in this topic today we start from the problem number 8. So let's start our lecture. The statement of the problem number 8 is find odd numbers from 1 to 100. Odd numbers means 1, 3, 5, 7, 9, 11 up to 99, those numbers which are not divisible by 2. Okay, so first of all, what is the planning of this solution? Okay ji, for input we don't need any input. Okay, dekhiye 1 se leke 99 tak aapne agar number display karane hain to aapko input lene ki zarurat nahi hai. Simple si baat hai ki aapne number ko display karana hai 1 se leke 99 tak. यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट होगा, व्हाट इज अवर रिक्वायर्ड आउटपुट? प्रिंटिंग ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, प्रोसेसिंग इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 1 एंड कीप प्रिंटिंग इट विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 टिल 99। देखें जी, जब आपने 1 से लेकर 99 तक आपने डिस्प्ले कराना है तो स्टार्ट होगा 1 से, 99 तक लेके जाना है ऑड नंबर्स। आपको पता है कि अगर 100 टोटल नंबर हैं, 15 में इवन नंबर्स होते हैं, 50 और ऑड नंबर्स होते हैं, और हर एक नंबर के बाद एक इवन नंबर आता है और एक ऑड आता है, फिर एक इवन एक ऑड। सो अगर एक 1 है, 1 के बाद 3 पर जाना है तो आपने इंक्रीमेंट करना है 2 का, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5। आप देख लेते हैं इसके एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे। एल्गोरिथम की बात करें तो स्टेप नंबर 1 में पहला स्टेप क्या था? स्टार्ट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फिर इनिशियलाइज के टू 1, क्योंकि आपने ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करने हैं। उसके बाद के इक्वल टू जब 1 रखा तो साथ साथ आपने जो नंबर्स हैं वो डिस्प्ले भी कराने हैं। मींस पहले 1 डिस्प्ले कराने, फिर 3 कराने, फिर 5, फिर 7, फिर 9 अप टू 99 तक। तो पहले यहाँ पर आउटपुट के मीन्स 1 को डिस्प्ले करा दो। स्टेप नंबर 3, इंक्रीमेंट के बाय 2, मींस के में 2 का इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट के 1 है तो 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा? के 3 हो जाएगा। ऐसे ही, क्योंकि जब आपने ऑड नंबर्स डिस्प्ले कराने हैं तो ऑड नंबर में पहले 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5। तो अगर 1 में अगर आप इंक्रीमेंट 1 का करेंगे तो वो 2 हो जाता है, और 2 तो इवन नंबर है, इसलिए अगर ऑड नंबर डिस्प्ले कराने हैं तो इंक्रीमेंट 2 का लगेगा। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, तो इंक्रीमेंट बाय 2। स्टेप नंबर 4, चेक इफ द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 100। ये क्यों चेक करना है? क्योंकि आपने जो ऑड नंबर डिस्प्ले कराने हैं वो 99 तक डिस्प्ले कराने हैं, तो आपने इसलिए चेक किया। तो अगर के लेस देन 100 होगा तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? देन गो टू स्टेप नंबर 4, ठीक है। और अगर के जो है ये लेस देन 100 ना हुआ तो गो टू स्टेप नंबर 5। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा जो बॉक्स के अंदर लिखा है, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो अदरवाइज के बाद जो लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट मींस रन होगा। आप देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टॉप। तो इसी के साथ आपका ये एल्गोरिथम खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9, प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। अगर आप गौर से देखें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को, पहला डिजिट है 27,
second is 24, third is 21, it's mean 27 minus 3, 24, 24 minus 3, 21, 21 minus 3, 18. Difference between the numbers is 3. So now in this problem, we don't increase number by 3, we decrease number by 3. So we use decrement of 3. Okay, first of all, this problem has no input. Is problem ke liye aapko koi input nahi chahiye, pehli baat ho gayi. Dusri baat, output kya chahiye? Printing numbers from 27 to minus 6 in descending order. Okay ji, processing mein kya hoga? Initialize a variable to 27 and keep printing it with a decrement of 3 till minus 6. ओके जी, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा एक छोटा सा डिफरेंस है. प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके प्रॉब्लम नंबर 8 तक जितने भी आपने प्रॉब्लम्स की हैं, उनमें आपने जो इनिशियलाइज किया है वेरिएबल वो 1 किया है या 2 किया है, और तमाम वेरिएबल्स को इसी तरह इनिशियलाइज करके आपने उनको प्रोग्राम को स्टार्ट किया है. क्यों? क्योंकि उनमें जो नंबर्स थे, ये नंबर्स जो थे ये असेंडिंग ऑर्डर में थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नंबर जो हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है. तो अब हम जो इनिशियलाइज वेरिएबल करेंगे वो 27 से स्टार्ट करेंगे, डिक्रीमेंट करते करते माइनस 6 तक ले आएंगे. सो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट इनिशियलाइज वेरिएबल k टू 27. ओके, नाउ k इज 27. स्टेप नंबर 2, आउटपुट k, वी हैव टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ k ऑन द स्क्रीन. ओके, स्टेप नंबर 3, डिक्रीमेंट k बाय 3. सो वी सब्ट्रैक्ट k विद 3. सो 27 माइनस 3 इज 24. ओके, स्टेप नंबर 4, चेक इफ द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर और इक्वल देन माइनस 6. ओके जी, इसमें देखिए तो आपने जो चेक करना है वो क्या चेक करना है? माइनस 6 को चेक करना है, क्योंकि सबसे जो लास्ट पे वैल्यू होती है आपने उसके ऊपर कंडीशन लगानी होती है कि उससे बड़ी होनी चाहिए हमारे पास k की वैल्यू. फिर वही बात कि अगर ये माइनस 6 से बड़ी है तो गो टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 पे दोबारा जाएगा. अभी k क्या होगा? 24 होगा, क्योंकि पहले क्या था? 27. इस स्टेप पे 3 माइनस करके 24 हो गया. अब वो डिस्प्ले कराएगा 24 डिस्प्ले कराएगा और फिर आगे आएगा. इसी तरह फिर दोबारा जाएगा तो 21 हो जाएगा, फिर जाएगा 18 हो जाएगा, और आखिरकार जब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो स्टेप 5 पे जाएगा और प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा. ओके जी, नाउ प्रॉब्लम नंबर 10. Find the sum of even numbers up to 100. Now sum equals to 2 + 4 + 6 + 8. इस प्रॉब्लम को समझने सबसे पहले आपने सम फाइंड करना है, ठीक हो गया, लेकिन किन का फाइंड करना है? इवन नंबर्स का. मीन्स वी हैव टू इंक्रीज नंबर विद 2, वी यूज इंक्रीमेंट ऑफ 2. ओके, and we have to add these numbers. Okay ji, now this problem has no input. Isme bhi aapko kisi input ki zarurat nahi hai. Aage dekhen, output kya chahiye? Sum of even numbers up to 100. 100 tak aapko even numbers chahiye. Phir processing mein kya hoga? Tamam even numbers ko aapne add kar lena hai. देखो जी, स्टार्ट करते हैं. इनिशियलाइज सम टू 0 एंड k टू 2. सम 0 क्यों रखा? क्योंकि अगर सम में आप कोई चीज पहले रख देंगे तो जब उसमें आप कोई भी डिजिट ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? वो सम में जो स्टोर है वो भी पहले उसको ऐड कर देगा उसमें, ठीक है जी. तो इसलिए सम को 0 रखेंगे. k को 2 क्यों रखा? Because even numbers are starting from 2 and it's starting from 2 to 100. So
That's why we take k equals to 2. Okay, ji. Now, step number 2, add k to sum means we have to add 2 plus 0 is 2. Now, sum equal to 2. अब सम में क्या आ गया, यहाँ पर सम में आ जाएगा 2. इधर आपने अगर लिखा 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, ये आ गया आपके पास, ठीक है. अब देखें इंक्रीमेंट बाय के बाय 2, यहाँ पर क्या आता है आपके पास, k क्या है, 2 है. 2 में अगर आप प्लस करते हैं 2, तो ये क्या हो जाता है, ये आपके पास आ जाता है 4. ओके, चेक इफ द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन और इक्वल टू 100. अभी चेक करते हैं हम कि क्या इसकी वैल्यूज जो है वो लेस देन 100 है या नहीं. अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो आपने कौन से स्टेप पे जाना है, आपने जाना है स्टेप नंबर 2 पे. अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आपने स्टेप नंबर 5 पे जाना है. ऐसे ही है, ओके जी. फिर देखें अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, वो दोबारा स्टेप नंबर 2 पे जाता है. अब के क्या हो गया, इधर के आपके पास क्या है इस टाइम, इधर देखें 4 हो गया था ना इस स्टेप में, अब के है 4. सम में क्या था, 2 था. सम में क्या था, 2 था. तो 2 में अगर आप ऐड कर दें, ठीक है जी, 2 में अगर आप 4 ऐड करें तो क्या आता है, वो हो जाएगा 6. इसी तरह ये प्रोग्राम चलता रहेगा और एंड पे आउटपुट सम जो आपका सम आएगा 2 से लेके 100 तक, उसको आपने डिस्प्ले करा देना है, ठीक है. और लास्ट स्टेप में आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. प्रॉब्लम नंबर 11. ओके जी, नाउ प्रॉब्लम नंबर 11 देखें. प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर. अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो तो आपने उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है. ओके जी, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको वो नंबर पता होना चाहिए जिसका आपने टेबल प्रिंट करना है. तो सबसे पहले तो आपको वो नंबर पता होना चाहिए, हम वो नंबर इनपुट लेंगे. दूसरी बात, रिक्वायर्ड क्या है, प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर. आपने जो नंबर आपको गिवन मिलेगा इनपुट, उसका टेबल प्रिंट करना है. प्रोसेसिंग में क्या आएगा, इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू 1 एंड प्रिंट इट्स प्रोडक्ट विद गिवन नंबर. ओके जी, नाउ वी हैव टू टेक इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल बाय 1. वी नो दैट व्हेन वी प्रिंट अ टेबल, फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ 3, सो वी मल्टीप्लाई 3 विद 1, 3 विद 2, 3 विद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, means 1 by 1. So we have to increment the variable by 1. Okay. Continue the process till printing the product of 12 and the given numbers. Okay, जी. देखिए, आपके पास है step number 1, start किया. Let the number n. एन कोई भी नंबर हो सकता है, एन बी 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, एनी नंबर. ओके, वी टेक हियर 7. सो स्टेप नंबर 2, इनिशियलाइज के टू 1. ओके जी, बाय 1 बिकॉज टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके जी, नाउ k equals to 1, step number 3, find the product. So, how we find the product? Product equals to n multiply k. N is 7. So, 7 multiply k. Here, 7 multiply k. Then we multiply 7 multiply k is 1 and equals to 7. Okay. Now, आउटपुट एन के पी. यहां पर आपने आउटपुट क्या करना है, आपने आउटपुट करना है एन. एन क्या है, यहां पर एन है आपके पास 7. ओके, फिर क्या आपने आउटपुट करना है एन के बाद के. के इज
वन, फिर क्या प्रिंट होगा, डिस्प्ले पी, पी इज 7, ओके। सो इंक्रीमेंट के बाय 1। अब यहां पर आपके पास के क्या हो गया, के आपके पास पहले क्या था, 1 + 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देखें इफ के लेस देन इक्वल टू 12 देन गो टू स्टेप नंबर 3, अदरवाइज इफ योर कंडीशन इज फॉल्स देन गो टू स्टेप नंबर 7, ओके। सो लेट्स सपोज योर कंडीशन इज ट्रू, हम ये फर्ज करते हैं कि आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो अब के क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। अब प्रोडक्ट आपने कैसे फाइंड करना है, अब आपने प्रोडक्ट ये फाइंड करना है, पी में पहले क्या था 7, ओके जी। नाउ 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। यहाँ पर आपने अब डिस्प्ले क्या करना है, ठीक है जी, डिस्प्ले यहाँ पर आ जाएगा, एन क्या है, एन है 7, के इज 2, पी इज 14। इसी तरह आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर के की वैल्यू अब हो जाएगी 3, नेक्स्ट टाइम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखें आगे आगे अगर देखते हैं यहाँ पर, अब ये आपका प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा और जब तक आपकी वैल्यू 13 नहीं होती आपका ये प्रोग्राम इसी तरह काम करता रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12, कन्वर्ट टेम्परेचर। इस प्रॉब्लम में आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले वी हैव टू टेक इनपुट टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको इनपुट लेना पड़ेगा आउटपुट में। वी हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर, ओके। प्रोसेसिंग, कंप्यूट द टेम्परेचर। आपको प्रोसेसिंग के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपके पास फार्मूला हुआ तो आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर वन ये है, आपने स्टार्ट करना है एल्गोरिथम को, ओके। आपने स्टार्ट किया, टेम्परेचर लिया FB 100। लेट्स सपोज आपने जो इनपुट लिया टेम्परेचर 100. Now we have to convert the temperature. So conversion formula is C equals to 5 divided by 9 multiply F minus 32. So first of all 100 minus 32. Okay. We have to do here 100 minus 32 equals to 68. ओके, नाउ 68 मल्टीप्लाई 5, ओके। नाउ वी मल्टीप्लाई 5, सो आवर आंसर इज 68 मल्टीप्लाई 5 इज 340। नाउ डिवाइडेड बाय 9, ओके। सो व्हेन वी डिवाइड बाय 9 आवर आंसर इज 37.77, ओके। व्हेन यू डिवाइड 340 डिवाइडेड बाय 9 योर आंसर इज 37.77, राउंड ऑफ करें तो 38, ठीक है। तो ये इस तरह आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। आउटपुट सी में आउटपुट क्या होगा, 38। एंड इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू स्टॉप योर प्रोग्राम, ओके। ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 13, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं, फैक्टोरियल कैसे फाइंड किया जाता है।
Okay, the planning the solution may, first of all, we have to take input number. First, we take the number. Let's suppose we take the number 5. Okay. Required output. Output mein kya hai? Factorial of a given number. Factorial means if we take the number 5. So, factorial means 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 equals to 120. Okay. अगर आपने किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, लेट्स सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द फाइव फैक्टोरियल इट्स इक्वल्स टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल्स टू 120. ये होता है फैक्टोरियल. समझ आ गई? अब हम चलते हैं अपने एल्गोरिथम की तरफ कि ये कैसे फाइंड किया जाएगा एल्गोरिथम में. ओके जी, नाउ एल्गोरिथम स्टेप नंबर 1 स्टार्ट. आवर फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट द एल्गोरिथम. ओके, लेट द नंबर एन बी 5. इसने भी चले 5 की ही आपको एग्जांपल दे दी है. अच्छी बात है, अभी तो हमने देख भी लिया कि कैसे ये रन होगा. तो नंबर आ गया आपके पास 5. ओके, स्टेप नंबर 2, इनिशियलाइज लूप वेरिएबल के एंड फैक्टोरियल एफ टू 1. ओके जी, फैक्टोरियल के लिए सबसे पहले हमेशा याद रखें, जब भी आपने फैक्टोरियल फाइंड करना होगा, आप एक वेरिएबल लेते हैं एफ फैक्टोरियल के लिए और उसको हमेशा इक्वल टू 1 रखते हैं. क्यों रखते हैं? कि प्रोडक्ट में आपने हर दफ़ा k को उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा. देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं इधर. लेट्स सपोज अगर आप यहां पर f 1 नहीं रखते, ठीक है जी, इफ f इक्वल्स टू 0, देन अगर आप f इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो क्या होगा? F equals to F multiply K means 0 multiply K is 1 equals to 0. ये होगा. आप प्रोग्राम को रन करें, K 2 हो जाएगा. 2 होगा जब वो दोबारा इस पे आएगा, 0 multiply 2. 0 multiply 2 is again 0. तो आपका कोई आंसर ही नहीं आएगा. इसलिए याद रखें कि हमेशा आपने जो f है उसको क्या रखना है? 1 रखना है. ओके जी, नाउ कैलकुलेट द प्रोडक्ट. f इक्वल टू f मल्टीप्लाई k, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ इंक्रीमेंट k बाय 1. आप देखें जी, k बाय 1, k में क्या था? 1. 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो गया. ठीक है, check the value of k if k is less than or equal to n, then go to the step number 4, 3, otherwise go to the step number 6. Okay ji, now ab tab dekhen k ho jayega 2, usne dobara step number 3 pe aana hai. Ab dobara f find karenge to dekhte hain ab kaise f find hoga ji. अब आपके पास k में क्या पड़ा था? 1. 1 मल्टीप्लाई 2 करें अगर तो क्या आता है आपके पास? आंसर 2 आ जाएगा इधर, सही है. और नीचे यहां पर अब आपके पास k क्या हो जाएगा? k आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3. स्टेटमेंट देखें, अभी भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, n 5 है. तो अब ये दोबारा स्टेप नंबर 3 पे जाएगा. स्टेप नंबर 3 पे जाएगा. f में क्या पड़ा हुआ है? आप एफ में पड़ा हुआ 2. 2 मल्टीप्लाई 3 कर दें इक्वल्स टू 6, क्योंकि के में भी ये क्या है? 3 है. और यहां पर के क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. कंडीशन अभी भी 2 है, तो यहां पर क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू क्या होता है? 24. और यहां पर अब आपके पास क्या आएगा? 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5. ओके जी,
अब देखें k इज लेस देन इक्वल टू n, k में क्या है 5, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, दोबारा वो स्टेप नंबर 3 पे जाएगा। f में भी क्या पड़ा हुआ है, f में भी पड़ा हुआ है 24, ठीक है, तो 24 पड़ा हुआ है, इट्स मीन 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 120। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, कंडीशन चेक कर रहे हैं, k में क्या हो गया 6, if k less than or equal to n then go to step number 3, but in this step k is 6 which is not equal to n less than n, n means 5, so we go to the step number 6. Step number 6 is output f, and we have in f 120, kya tha f mein 120 tha, to 120 aapka output mein display ho jayega. Step number 7 is स्टॉप। ओके जी, तो इसी के साथ आपका ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प, आई एम हियर टू हेल्प यू।